कोरोना ने हमारा फेस्टिव स्पिरिट को एकदम किल कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि सभी हमारा जो जीवन है एकदम नॉर्मल हो जाए, इसीलिए हम देवी दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं। अजय जी, आप बोलिए, क्या त्यौहार है, कौन सा फेस्टिवल है? एक्चुअली ये हमारा ये त्यौहार हमारा बंगाली का बहुत मतलब ट्रेडिशन त्यौहार है। ये आज का त्यौहार नहीं है, हम जब बचपन मतलब हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं महालय, लेकिन काफ़ी एक डेढ़ साल से हम लोग ने ये त्यौहार को कुछ फील ही नहीं कर पाई, लेकिन ये साल हम लोग ने सब सोचे जो ये त्यौहार को अच्छा से सेलिब्रेट करके हम लोग कोरोना मुक्ति होके मतलब दुर्गा माता को आह्वान करेंगे, और हम लोग आगे भी चाहेंगे जो ये त्यौहार कंटिन्यू सभी लोग एंजॉय करें और कोरोना हमारा से दूर चले जाए। ये हमारा मेन मोट मतलब ये त्यौहार बनाने का पीछे ये मौलाय जो सेलिब्रेशन किया हम लोग, इसका पीछे हमारा एक ही मकसद है जो कोरोना को माँ दुर्गा को मतलब कृपा से हम लोग कोरोना जीत जाए, कोरोना से जीत के हम लोग नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से ये त्यौहार को बराबर प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ये रॉयल फैमिली क्लब से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किया है और सब मेंबर्स है रॉयल फैमिली का। बिल्कुल, मोहल्ला एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मोहल्ला के इस पवित्र मौके पर हम प्रवासी बंगाली पहली बार यहाँ इकट्ठा हुए हैं काजल दीदी के देखरेख में, जिनकी देखरेख में हम लोग ये त्यौहार मनाने का हमें मौका मिला, और आगे की आशा करते ऐसे ही हमें मौका मिलते रहे। आप बताइए कैसे लग रहा है इधर आपको प्रोग्राम? मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रॉयल फैमिली क्लब का फाउंडर मेंबर एंड काजल जी चेयरपर्सन। तो काजल जी ये अरेंजमेंट जो किया ना तो बहुत अच्छा किया। एक्चुअली कोरोना में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो आज पहली बार मुंबई में ये लॉन्च किया काजल जी ने जो रॉयल फेम का हिसाब से, तो बहुत अच्छा किया। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम बेटर फीलिंग नाउ एंड हैप्पी। अच्छा, मैं रॉयल फैमिली का फाउंडर मेंबर का गिनती में ही है। हाँ, तो बंगाल का फेस्टिवल है ये, शारदीय उत्सव के पहले ये माना जाता है, महालय है ये, बहुत सदियों से चलते आ रहा है। इसके लिए माँ दुर्गा का आह्वान करता है, महालय से शुरू होता है। पहली बात तो काजल दी का शुक्रिया अदा करूँगी। मैं बहुत साल से मुंबई में हूँ, मगर पहली बार आज इधर इकट्ठा हुआ हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कोरोना को थोड़ा भगाई है, सब लोग मिल के प्रे करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। काजल मेरा छोटा सिस्टर है, बहुत अच्छा से अरेंजमेंट किया है मोहल्ला का। ये कलकत्ता में जाता है तो बहुत इंजॉय करता है, लेकिन ये अभी मुंबई में है तो मालूम नहीं पड़ रहा है। सुबह आके बहुत इंजॉय हुआ। मैं चाहती हूँ जो कोरोना चले जाए, यहाँ से हम लोग अच्छा से लाइफ काटाए। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों से मैं भी मुंबई में हूँ और कभी ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया है। एंड मोहल्ला इज लाइक ए नॉस्टैल्जिया। बचपन से हम देखते आते हैं कि मॉर्निंग को उठना, बाहर जाना, फिर वीरेंद्र किशोर भद्रा जी का जो चंडी पाठ है, ये सब तो हम यहाँ के ये सब इस बार एंजॉय कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा। और वैसे भी हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे, और काफ़ी दिनों के बाद हम सब इकट्ठा हुए, बंगाली लोग एक साथ हुए हैं, और पहली बार मुंबई में मेरे ख्याल से ये रॉयल फैमिली क्लब ने और काजल दी ने ये किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये उम्मीद है कि आगे भी ऐसे और भी प्रोग्राम्स होते रहेंगे, हम बंगाली इकट्ठे रहेंगे और भी अच्छा प्रोग्राम्स आते रहेंगे। थैंक यू। ये प्रोग्राम सभी को है, सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हमारे बंगाली में जो बोला जाता है, महालय शुरू होता है एक बफलो हेडेड डेमन था, महिषासुर। और ये महिषासुर बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि वो ब्रह्मा का तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद उनको बूंद मिला कि वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कोई उनको नाश नहीं कर सकता। बट ब्रह्मा ने कहा था कि कोई आदमी आपको कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन वुमेन कर सकेगा। उन्होंने सोचा वुमेन क्या करेगा, वो इतना पावरफुल हो गया, वो हेवन पे अटैक कर दिया और इंद्र को थ्रोन से निकाल के फेंक दिया। तब देवताओं ने जाके ब्रह्मा को कहा कि बहुत हलचल मची है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, हम लोग को खून कर दे रहा है। तभी ब्रह्मा
शिव और विष्णु मिलकर अपने पावर से एक नारी की जन्म दी और उन्हें बहुत पावर दिया ताकि वो जाके फिर महिषासुर वध किया और वही ऑनेस्टी जाके ईविल को नाश करता है। यही महालय का मेन क्रक्स है। यही सोच पे हम लोग सोचते हैं कि अभी कोरोना का भी नाश होगा, माँ दुर्गा आके वो को उस असुर को भी ख़त्म करेंगे। इसी आशा पे हम आज यहाँ पे आके महालय सेलिब्रेट कर रहे हैं सब साथियों के साथ और गाना गा रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। माता रानी का पूजा स्टार्ट होगा कल से और हम लोग रॉयल फैमिली से हैं। काजल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम हम लोग मना रहे हैं और ये दुर्गा माँ का तो सारे विश्व में मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक नारी का अंदर बहुत सारा शक्ति होता है। जैसे दुर्गा माँ काली का रूप रहता है, बहुत सारा अवतार है 9 दिन का, तो ये क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जितना बोलो उतना कम है। नारी को तो कोई सम्मान ही नहीं था, जब से काली माँ आई, काली माँ का रूप लिया तब एक जगह बना और विश्व के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम था। इतना सारा राक्षस मिलके हमारा देश को नाश करते थे, मनुष्य जीवन को रह नहीं सकते थे, पर सब ने अभी जैसा माता जी ने बताया पूरा तरीके से, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, तो काली माँ ने पूरा संसार को हम लोग के लिए जीवन दिया। अगर काली माँ लड़ते नहीं तो हम लोग शायद जी नहीं पाते और राक्षसों का जीवन होता, मनुष्य को नहीं हो पाते। तो इसलिए माता रानी को बोलेंगे हम लोग कि कोरोना से हम लोग 2 साल से बहुत परेशान है पूरा वर्ल्ड, तो माता रानी का आशीर्वाद से पूरा कोरोना का नष्ट हो जाए और सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिल से हम दुआ करते हैं कोरोना भाग जाए। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। जय माँ दुर्गे। आज महालय है, बहुत शुभ दिन है, अच्छा है, जो सबके मन के अंदर खुशी लेके आता है। एक कोरोना कोरोना करके 1-2 साल से एकदम हम लोग परेशान हो गया है, तो इसके लिए क्या हुआ, जो आज का जो दिन काजल ने तैयार किया था, जैसे नया, जैसे नया सूरज उगा क्या है, जो अगले साल तक हम लोग ऐसे ही करके मनाते रहे, अच्छे से सबको शरीर स्वस्थ रहे, सब स्कूल कॉलेज सब खुल जाए, सब अच्छे से बच्चे लोग अच्छे जिंदे रहे हैं। यही है हमारा प्रार्थना है माँ दुर्गे के साथ, हमारा यही हमारा ये है, सब भगवान सब करे अच्छा करे। जय माँ दुर्गे। मैं एक गेस्ट मेंबर हूँ इस क्लब का और कोरोना पे जो हम कोई मिल नहीं पाए किसी से, ये जो हम आज जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया है सो यूनिक, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग दुर्गा माँ और उनके बच्चों को समुंदर के ऊपर से हम वेलकम कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई होप द ग्रुप रियली कंटिन्यूज टू डू सच अ वंडरफुल वे दैट इट हैज बीन डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।